तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्सार्ज के बारे में। दोस्तों, अगर आप फोर्सार्ज सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं पर आपके पास ना ही तो BUSD है और ना ही BNB है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप BUSD और BNB किस प्रकार से ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप फोर्सार्ज में ID लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास BUSD और BNB हैं तो आप किसी बंदे को BUSD या BNB किस प्रकार से भेज सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव यह कर दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज भी सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से लोग रह जाते हैं जो कि फोर्सार्ज सिस्टम में जुड़ना तो चाहते हैं पर उनके पास ज्वाइन होने के लिए ना ही तो BUSD मिल पाते हैं और ना ही BNB। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें फोर्सार्ज की ज्वाइनिंग लिंक भी नहीं मिल पाती है और वह बगैर ज्वाइनिंग लिंक के ही फोर्सार्ज में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिससे कि वह गलत वेबसाइट में जुड़ सकते हैं और उनका सारा पैसा डूब सकता है। तो दोस्तों, फोर्सार्ज में सिर्फ ज्वाइनिंग लिंक के ही द्वारा ज्वाइन हो। अगर आपको फोर्सार्ज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, BUSD या BNB चाहिए, ज्वाइनिंग लिंक चाहिए या फोर्सार्ज में आपको ID लगानी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम दिखाते हैं आपको कि आप BUSD किस प्रकार से सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फोर्सार्ज में BUSD या BNB लेने के लिए या देने के लिए हम ट्रस्ट वैलेट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट कोई भी बना सकता है, चाहे आपकी उम्र 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो। आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आपके पास सिर्फ स्मार्टफोन होना चाहिए और आप भी ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट बना सकते हैं। ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट किस प्रकार से बनाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसमें आपको ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट बनाना सिखाया गया है। तो दोस्तों, यह देखिए, हम अपना ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट ओपन कर लेते हैं और हम आपको किसी दूसरे ट्रस्ट वैलेट अकाउंट में आपको BUSD और BNB भेज कर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे वैलेट में 74 BT और $6 की स्मार्ट चैन है। अब दोस्तों, इन्हें भेजने के लिए हमें ट्रस्ट वैलेट की रिसीव लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अपने मेंबर से, जिन्होंने हमें BUSD देने के लिए पैसे भेजे थे, हम उससे रिसीव लिंक मंगा लेते हैं। दोस्तों, यह देखिए, हमने उनका ट्रस्ट वैलेट अकाउंट बनवाया था और यह करेंसी ऐड करवाई थी। तो दोस्तों, हमने एक वीडियो में सब कुछ बता रखा है कि आप ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट कैसे बनाएं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, यह देखिए, उन्होंने QR कोड भी और रिसीव लिंक भी यहाँ पर भेज दिए हैं। तो यह देखिए, हम सिर्फ QR कोड के द्वारा इनको पेमेंट करेंगे और BUSD भेज कर दिखाएंगे। तो दोस्तों, यह देखिए, अगर आपको BUSD लेनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमें ट्रस्ट वैलेट में जाना है फिर से और BUSD पर क्लिक करना है। यह देखिए, BUSD टोकन पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है और सेंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन खुल जाता है। तो ऊपर आपको पेस्ट के बराबर में स्कैन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है और कोने में इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यह देखिए, तो हमारे फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी या फाइल मैनेजर, जहाँ भी हमारा QR कोड है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो यह देखिए, हमने QR कोड सिलेक्ट कर लिया है और हमारा रिसीव एड्रेस ऊपर आ चुका है। यह देखिए, यह हमारा रिसीव एड्रेस है। अब दोस्तों, नीचे हम जितनी भी BUSD भेजना चाहते हैं वह हम यहाँ पर डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम मैक्सिमम पर करेंगे तो यह देखिए, हमारी जितनी भी BUSD हैं सभी एंटर आ जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पर ओनली 70 BUSD भेजेंगे और ऊपर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यह देखिए, ट्रांसफ़र की डिटेल्स आ जाएंगी आपको और यहाँ पर जो भी नेटवर्क फीस लगेगी वो शो हो जाएगी। यह देखिए, नेटवर्क फीस 8 से 10 रुपये की नेटवर्क फीस लगेगी, जो कि आपको $70.16 टोटल कट हो जाएंगे आपके BUSD सहित। तो दोस्तों, यह देखिए, आपको ट्रांसफ़र कर देने हैं तो हमारे यह 1-2 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जिस वैलेट में हम भेजना चाहते हैं जो हमारे मेंबर है या उसी के वैलेट में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, हम भेज देते हैं और हम उस मेंबर से व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं कि आपके पास पहुंचे या नहीं पहुंचे और उससे स्क्रीनशॉट भी मंगा लेंगे। तो दोस्तों, यह देखिए, अब हम व्हाट्सएप पर जाते हैं। तो यह देखिए, हम अपने मेंबर से लाइव पूछ लेते हैं, हम कहते हैं BUSD सेंड कर दी गई है, या दोस्तों आप किसी भी प्रकार से कॉल करके पूछ सकते हैं, देखिए हमने BUSD इनको सेंड कर दीजिए, आप चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, अब थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और इन्होंने हमें अपने वैलेट का स्क्रीनशॉट भेज दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इनके वैलेट में 70 BUSD पहुंच चुकी हैं, आप देख सकते हैं, और BNB अभी इनके पास एक भी नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको BNB भी लाइव भेज कर दिखाएंगे कि किस प्रकार से BNB भेजते हैं। तो दोस्तों, हम BNB और BUSD एक ही QR कोड और एक ही रिसीव लिंक से भेज सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास QR कोड पहले से ही है इनका, तो हम अपना ट्रस्ट वैलेट फिर से ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमारे पास स्मार्ट चैन इतनी ही है जितनी पहले थी
लेकिन हमारे पास USD 74 थी, अब 4 बची हैं क्योंकि दोस्तों 70 USD हमने बेच दिए हैं। तो दोस्तों हम इन USD को अपनी BNB में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जल्दी से इसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी फोर्सा सिस्टम में जुड़ना है या जुड़ने के लिए रिसीव लिंक लेनी है या दोस्तों BNB या USD लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी 4 USD बची थी हम उनको BNB में कन्वर्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम ट्रस्ट वॉलेट से ही अपनी USD को BNB में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारी BNB 6 डॉलर की थी तो हमारे 4 डॉलर भी BNB में जुड़ गए हैं। यह देखिए हमारे 11 डॉलर की BNB हो चुकी है। अब हम BNB को अपने मेंबर को भेजते हैं। तो दोस्तों हमें BNB पर क्लिक करना है तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। हम पहले नंबर पर सेंड वाला ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए हमें पेस्ट के बराबर में QR कोड का स्कैन का ऑप्शन दिख रहा है। हमें यहाँ पर क्लिक करना है तो हमारा कैमरा ओपन हो जाता है और नीचे कॉर्नर पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और हमें फिर से अपना QR कोड सिलेक्ट कर लेना है जिससे हमने BUSD भेजे थे। दोस्तों BUSD और BNB एक ही QR कोड से और एक ही रिसीव लिंक से सेंड हो जाते हैं। तो हमने पहले वाला QR कोड यहाँ पर ऐड कर लिया है और ऊपर इसका रिसीव एड्रेस आ जाएगा। दोस्तों नीचे आप जितने डॉलर की भी BNB भेजना चाहते हैं वह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए हम 4 डॉलर का समथिंग भेजेंगे तो आप जितना भी अमाउंट ऊपर डालेंगे आपको नीचे डॉलर 100 होते रहेंगे, आप देख सकते हैं। तो हमारे 4 डॉलर जब भी बैठेंगे, यह देखिए हम 0.016 भेजना चाहते हैं, 4 डॉलर की हो जाएगी। तो हम ऊपर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं ऊपर कॉर्नर में हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ट्रांसफ़र की डिटेल्स आ जाएंगी जो भी हमारी नेटवर्क फीस लगेगी। तो दोस्तों यह देखिए हमारी थोड़ी सी नेटवर्क फीस लगेगी और हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारी BNB भी हमारे मेंबर के पास पहुँच जाएंगी। दोस्तों यह देखिए ट्रांसफ़र अभी वेटिंग में है, हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यह देखिए हमारी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब हम अपने मेंबर से पूछ सकते हैं कि हमारी BNB उसके पास पहुंची या नहीं पहुंची जो हमने भेजी थी। तो दोस्तों यह देखिए हम उसके व्हाट्सएप पर पहुंचते हैं और उससे बात करते हैं और उसके स्क्रीनशॉट मंगा लेते हैं कि हमारी BNB पहुंची या नहीं। तो यह देखिए हम इनको मैसेज कर देते हैं कि हमने BNB सेंड कर दी गई हैं, आप चेक कर लीजिए। तो दोस्तों हम इनसे स्क्रीनशॉट मंगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इनके वैलेट में BNB पहुंची या नहीं पहुंची जो हमने भेजी थी। तो दोस्तों आपने देखा होगा BUSD हमने इनके पास पहले ही भेज दी थी और ये देखिए इन्होंने दूसरा स्क्रीनशॉट भेज दिया है। इसमें आप देख सकते हैं जो BNB हमने भेजी थी वह BNB रिसीव हो चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से BNB भेज सकते हैं और BUSD। अब हम इनको फोर्सार्ज की ज्वाइनिंग लिंक भेज देते हैं जिसको कि यह कॉपी करके और ट्रस्ट वॉलेट में पेस्ट करके यह फोर्सार्ज में अपनी ID लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में।